हेलो फ्रेंड्स, आज के आपको इस टॉपिक में मैं बताऊंगी दिवाली में जाने के लिए सबसे शुभ मंदिर कुबेर मंदिर, जहां आपको दर्शन मात्र से ही धन की वर्षा होने लगेगी। तो आप इस बार इस दिवाली में इस मंदिर जाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप भी चाहते कि हमारा घर धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाए, तो चलिए मैं आपको इस मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ मंदिर करोड़ों में बने हुए हैं। इसे मंदिरों का घर भी कहते हैं। यहाँ उत्तर से दक्षिणी और पूर्व से पश्चिम तक हर धर्म के हजारों लाखों मंदिर देखे जा सकते हैं। इनमें से आपने अभी तक माँ दुर्गा, भगवान शंकर, विष्णु जी, गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी जैसे अनगिनत मंदिरों के दर्शन किए होंगे। लेकिन कभी आपने कुबेर देवता का मंदिर देखा है, जो भक्तों के लिए खास आस्था का केंद्र बना हुआ है? मान्यता है कि कुबेर देव के मंदिर में जाने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। इस खास दिन भक्त श्रद्धा के साथ मंदिर में जाकर भगवान कुबेर से देव सुख और समृद्धि की मनोकामना करते हैं। साथ ही अगर आप भारी कर्ज से गुजर रहे हैं, तो उन्हें भी इस परेशानी से छुटकारा मिलता है। चले आपको आज इस वीडियो के जरिए बताते हैं कुबेर देव मंदिर के बारे में, मंदिरों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भारत में मौजूद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कुबेर मंदिर की। ये मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से करीबन 40 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। अल्मोड़ा में स्थित कुबेर मंदिर जागेश्वर धाम के अंदर आता है। यहाँ हर साल धनतेरस और दिवाली के दिन भक्त अपनी अपनी मन्नत लेकर आते हैं कि यहाँ जो भी धनतेरस और दिवाली के दिन आता है, तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है, इसलिए यहाँ का नज़ारा भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है। अगर आप यहां पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको नैनीताल से अल्मोड़ा से लोकल बस, टैक्सी या कैब लेकर आसानी से पहुंच जाएंगे। नैनीताल के सबसे पास में आपको काठ गोदाम रेलवे स्टेशन पड़ेगा। दिल्ली से नैनीताल के लिए बस भी ले सकते हैं। नंबर दो, गुजरात का कुबेर मंदिर। कुबेर भंडारी मंदिर भी देश के पवित्र और प्रसिद्ध मंदिरों में आता है। ये फेमस मंदिर देश के पश्चिम राज्य से गुजरात के वडोदरा शहर में मौजूद है, माना जाता है। इस फेमस मंदिर का इतिहास करीबन 2500 साल पुराना है। ये नर्मदा नदी के किनारे भी मौजूद है। पौराणिक कथा के अनुसार मंडारी मंदिर का निर्माण भगवान शिव ने किया था। मान्यता है कि यहाँ जो भी धनतेरस और दिवाली पर दर्शन करने के लिए आता है, उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसलिए धनतेरस और दिवाली पर यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ हो रहती है। दिवाली के दिन मंदिर को दीपों से भी डेकोरेट करते हैं। आपको यहाँ पहुँचने के लिए वडोदरा से करीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आने के लिए आपको वडोदरा से टैक्सी कैब लेकर पहुँच सकते हैं। गुजरात में यहाँ करीबन हर शहर से वडोदरा के लिए ट्रेनें दौड़ती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एमपी में 3 कुबेर मंदिर हैं। पहला मंदसौर में, फिर दूसरा उज्जैन में भी एक मंदिर है, और तीसरा खांडवा के ओंकारेश्वर में भी इसे देखा जा सकता है। हालांकि सभी मंदिरों में खांडवा का सब कुबेर मंदिर सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। खांडवा कुबेर मंदिर के बारे में कहते हैं कि यहाँ केवल दर्शन से ही धन की परेशानी दूर हो जाती है। यहाँ शिवलिंग भी है। कहते हैं कुबेर देव ने यहाँ घोर तपस्या करके शिवलिंग की तपस्या की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ पहुँचने के लिए आपको मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में ओंकारेश्वर आसानी से पहुँच सकते हैं। ये राजधानी से करीबन 257 किलोमीटर की दूरी पर है। भोपाल से ओंकारेश्वर के लिए ट्रेनें भी चलती हैं। यही नहीं, खंडवा कुबेर मंदिर इंदौर शहर से केवल 78 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी में निहित सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं लेते हैं। हमारा उद्देश्य सहज सूचना, महज सूचना पहुँचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना के तहत ही ले। दोस्तों, ऐसा करती हूँ आपको दी गई सारी जानकारी पसंद आई होगी, तो कमेंट में जय कुबेर देव जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली।